ओम श्री महालक्ष्मी नमः। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करती रहें, तो शुक्रवार के दिन ये उपाय एक बार अवश्य आजमा कर देखें, क्योंकि ये उपाय मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। पहला उपाय, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन रात में घर के पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थल में लक्ष्मी जी की स्थापना करके गाय के घी का 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दूसरा उपाय, माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति पर हमेशा मोगरे का इत्र अर्पित करें। तीसरा उपाय, अगर आप माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं तो इससे आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, माता महालक्ष्मी को केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और आपकी जिंदगी में चल रही सारी उथल पुथल रुक जाती है। पांचवा उपाय, माता लक्ष्मी को चंदन का इत्र चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठा उपाय, धन के साथ अगर आपको दाम्पत्य जीवन को प्रेम से परिपूर्ण और समृद्ध बनाना है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, आपका जीवन अवश्य सुखमय होगा। सातवां उपाय, प्रतिदिन घर से चंदन का इत्र लगाकर निकलने से कार्य और व्यवसाय में उन्नति दोगुना ज्यादा होने लगती है। आठवां उपाय, प्रति शुक्रवार को गाय को ताजी रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर जीवन भर बनी रहती है। नवा उपाय, शुक्रवार के दिन रात में 7 छोटे आकार के नारियल लेकर उनको एक पीले कपड़े में बांधकर घर की रसोई के पूर्व दिशा वाले कोने में ऊपर की ओर बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दसवां उपाय, ये मंत्र रट लें और इसका प्रति शुक्रवार रात में गाय के घी का दीपक जलाकर 108 बार या श्रद्धानुसार पाठ करने से बहुत लाभ होता है। ये मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इनमें से कोई भी उपाय अगर आप शुक्रवार को करते हैं और फिर ये नियम पूर्वक करते हैं तो आपको लक्ष्मी माँ कभी निराश नहीं होने देंगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसे और उपाय और भगवान की पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।